Friends, how are you all? Today we are starting with a new video. In that case, we will discuss about the CNC machining. So we have a case. The case is about iron. So हम लोग के पास जो आज case है, iron का model है, जो आप देख पा रहे हो. So I have already extracted the core cavity. In that module, you will learn CNC machining on PMC. Okay? आप देख पाओगे. मैं आपको face दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से. Okay? So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू एक जो मेरा पीस है इसका ओवरऑल कटिंग में कैसे करा हूं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं आप देख लो इसमें एट द बिगिनिंग जो मेरा पहला जो कमांड है मेरा ठीक है इसके ऊपर जो मैं पहला कमांड था तो मैं इसके एरिया रफिंग करूंगा अब देख पा रहे हो थोड़ा इसको मैं स्पीड कर देता हूं Later we'll discuss each and every command. At the beginning, let me show you how it exactly look. Okay. Yeah, आप देख पा रहे हो यहाँ पे area roughing हो रहा है. It will take some time. Have some patience and be connected, dost. Now it's contouring. ये जो कमांड चल रहा है आपकी कंटूरिंग चल रहा है तो आप कंटूरिंग में थोड़ा लार्ज टूल भी ले सकते हो तो इस तरीके से देख पा रहे हो तो मैंने इसकी जो है ठीक है आप देख पा रहे हो अभी मैं रास्टरिंग चला रहा हूं इसमें फाइनली लेट मी शो यू अब देख पा रहे हो फिनिशिंग तो ये ओवरऑल मेरा लाइक इस तरीके से हम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस केस में हम वो देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो मैं मास्टर कैम ओपन कर लेता हूं तो एट द बिगिनिंग वी विल गो विद द एरिया रफिंग वी विल डिस्कस इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इट्स एन एवरी कमांड व्हिच इज नेसेसरी फॉर दिस जॉब सो हियर आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर आल्सो आई एम डिलेक्टिंग इट्स एन एवरी कमांड यू कैन सिलेक्ट इन डायरेक्टली बाय पुशिंग दैट कमांड आल्सो So I'm selecting each and every command. See, I have already taken the stock size. Okay, that I will not mention in this video. Now I'm going with the tool part. First of all, we go with the high speed machining and area rough. In that case, you can create your workpiece name. I'm going with the as it is. Now you can select your scene. I've selected the entire workpiece. Okay, you can see the area roughing and now tool I will select this already I have selected the 30 mm bull nose ठीक है अब देख पा रहे हो मैं कौन से tool select किया हूँ आप selected that tool the holder let it be as it is the cutting parameter I am taking the step down of 3.0 and the wall sticking 1.11 mm old stock and leave on stock rest of metal Tool content maintain. I'm not going to change any of the parameter on here. Lincoln parameter you can change if you feel is it necessary. Again, you can change. I will tell you. इसमें मैं बताऊंगा आपको मैं कैसे change करता हूँ. क्या क्या parameter में change करना पड़ता है. किस case में आपको इसको change करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो है मैं अब plan देख लो. Top top में है. Coolant वगैरह आप चाहो तो आप on कर सकते हो. ठीक है. तो मैं जो है on करना है तो on कर सकते हो. As you like. ठीक है तो यहाँ पे जो है इसकी कैलकुलेशन हो रहा है तो ये जो था मेरा एक मोल्ड डिजाइन की कंटेंट है जो मैं मोल्ड डिजाइन कराता हूँ तो इसमें मेरा एक कंटेंट था इसकी जो मेरा डाई थे तो इसके ऊपर एक कैलकुलेशन हो रहा है अभी थोड़ा टाइम लेंगे दोस्तों तब तक मैं दिखा देता हूँ तो इस पेस है तो यहाँ पे जो ये यहाँ से अंडरकट बनेंगे तो इसको मैं अभी के लिए स्किप किया हूँ है ना इसके लिए हम अलग से जुगाड़ लगाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा जैसे और की वजह निकालते हैं ठीक है तो इस केस में मैं इसको रहने देता हूं अब देख पा रहे हो अब जो है इसको जो ऑपरेशन है इसको हम देख लेते हैं कैसा बना है ओके यू कैन सी हियर इट्स इज एरिया रफिंग ओके
जो कमांड है इसको बोलते हैं आप एरिया रफिंग। दोस्तों इसमें आपको एक्सिस देख पा रहे हो आप, लाइक इस तरीके से आप इसको पहले पहले एरिया रफिंग करोगे। तो जो नेक्स्ट मेरा कमांड है, तो जो मेरा साइड में जो मेरा स्टॉक रहेगा थी इसको हम हटाएंगे। तो इस केस में मैं यहाँ पे कंटूरिंग कमांड यूज करूंगा, कंटूरिंग में मैं फिनिश कंटूर यूज करूंगा इस केस में। तो मैं पर्पस को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाऊंगा और इन केस में मैं जो है फ्लैट बुल लूंगा, ठीक है 10 mm का। यू कैन सिलेक्ट ऑल्सो 12 mm बुड एज यू लाइक टू हैव। ओके तो मेकिंग इट एब्सोल्यूट द फिनिश कंटूर विद हाई ब्रोकन एंड यू कैन चेंज योर स्टेप डन ऑल्सो। सो हम सिलेक्ट पुट इट ओके। तो आप देख पा रहे हो कंटूरिंग जो है कैलकुलेशन कैलकुलेट हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, लेट मी शेक। आप देख पा रहे हो उसमें कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसमें देखते हैं दोनों में क्या टूल इस एक्सेप्टेबल है या नहीं, आप देख पाओगे। ठीक है तो ये ऑलरेडी चलेंगे, इसको मैं हाई स्पीड में डाल देता हूँ। ठीक है उसके बाद जो पहला कंटूरिंग कमांड है हम उसको दोनों एक साथ देखेंगे। ओके यू कैन सी सम ऑफ द मेटल वर हियर, ठीक है यहाँ देख पा रहे हो थोड़ा सा मेटल जो है कट हो रखा है, बट ये जो है आपकी स्टॉक में ही है, जैसे हम इसकी फिनिशिंग करेंगे चला जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेटल रह गई थी, तो यहाँ पे एक बार टूल चला इसलिए आपको रेड दिखा रहा है, वो अभी चले जाएंगे, हम दिखाएंगे इसके ऊपर भी कमान लगा के। ठीक है तो ठीक है तो नेक्स्ट जो मेरा आता है, देखो आप पैरामीटर में दोस्तों मैं इसमें ज्यादा वो करना नहीं चाह रहा हूँ, जैसे मेरा स्टेप बार वगैरह ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें लाइन देख रहे हो, तो आगे कमान में मैं ठीक करूंगा नेक्स्ट कमान में। ठीक है तो मैं नेक्स्ट जाऊंगा यहाँ पे हाई स्पीड मशीनिंग में जाऊंगा फिर मैं, तो इसके मैं स्कैलप यूज करूंगा। ठीक है स्कैलप कमांड बहुत बढ़िया कमांड है फिनिशिंग के लिए। सो आई एम सिलेक्टेड द एंटर सरफेस, यू कैन सिलेक्ट द टूल, आई एम सिलेक्टिंग द 12 mm बुल। ओके आई कैन, मैं ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ कितना स्टेप ओवर लेना है, स्टेप ओवर जो है मैं 12 का लिया, तो मैं इसमें कम लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आई एम टेकिंग द बुल नोस। ठीक है ट्रिम टू स्टॉक एरिया लीव लिंक इन पैरामीटर लेट्स से एज इट इज। देख पा रहे हो कैलकुलेट हो रहा है, समटाइम इट टेक्स टू मच टाइम। तो विल सिलेक्टेड, तो मैं ऑलरेडी हैव सिलेक्टेड, नाउ सिलेक्ट द एंटर कमांड एंड पुट एनसी फाइल, नाउ प्रोसेसिंग टू एनसी डाटा। हम देख लेते हैं कैसा आया सर्फेसिंग। ओके मुझे पता है आपको इस तरीके से आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे यूट्यूब में मास्टर गेम के ऊपर जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है, तो मैं चाह रहा था कुछ कुछ कंटेंट आपको कवर कराऊं इस वीडियो में। ठीक है जो मेरा ऑलरेडी काम हो चुका है मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है तो अब देख पा रहे हो दोस्तों ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। ठीक है अब जो है हम लोग की स्कैलप कमांड चलेंगे अभी। ठीक है तो आप देख पा रहे हो स्कैलप में एक्चुअली क्या है, जो स्कैलप मैंने लिया था इसमें मैंने स्टॉक जो है 1 mm स्टॉक मैंने रख दिया था इसमें, तो आपको वो हटाना है तो आप यहाँ से ऐड करके जो ट्रिमिंग डिस्टेंस में अब मैं कट पैरामीटर में जाऊंगा, जो मेरा 1 है इसको आप 0 भी कर सकते हो एज यू वांट। ठीक है तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट जो जा रहा हूँ इसमें रास्टर में जा रहा हूँ। ठीक है रास्टर इमेज, यहाँ पे रास्टर सॉरी इमेज आ गई मेरा, रास्टर स्पेसिंग में जाएंगे हम। ठीक है इसमें मैं ऑलरेडी मैंने सर पे सिलेक्ट कर लिखा हूँ, तो यहाँ पे स्टेप अपर जो है मेरा 1 का है ओके, मैं इसमें 0 डालने जा रहा हूँ। ठीक है क्योंकि मैं फिनिशिंग चलवा रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरा मशीनिंग है रास्टर है टूल जो रहेंगे मेरा इसमें टूल मैं चेंज करूंगा, टूल में 6 mm का स्पेरिकल लूंगा। ओके दोस्तों तो यहाँ पे स्टेप वार ठीक है, जिगजैग है, लिंक इन पैरामीटर वगैरह ओके है, लेट मी चेक कैसा आ रहा है। ठीक है उस हिसाब से आपको चेंज वगैरह करना पड़ेंगे।
ठीक है। तो जैसे वैसे के लिए हम लोग जैसे कोई डिजाइन बनाते हैं ना, उसको हम देखते हैं ट्रायल और एरर मेथड से कौन सी कमांड मेरा इसमें फिट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है, बहुत सारे कमांड मिलेंगे। जैसे इस सरफेस के लिए आपको 3-4 कमांड मिलेंगे, आपको देखना होता है इस कमांड कौन सी कमांड इस सरफेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको फिट हो रहा है। तो ऐसे आप ट्रायल एंड एरर मेथड दबा के इसको आप एनालाइज करोगे, मुझे कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है। लाइक इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कमांड बना चुका, तो मुझे पता है इसमें क्या क्या लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप वन स्टेप डाउन वगैरह स्पिंडल स्पीड वगैरह चेंज करूंगा जो इसमें रहे, मैं अपने मशीन के हिसाब से सेट किया था। तो इसमें हम देखेंगे सारे को मैंने सिलेक्ट कर रखा हो। अब जो ये अभी क्रॉस आ रहा है इसको अभी टाइम लगेंगे, कैलकुलेट हो रहा है इसमें। तो जैसे ये ओके हो जाएंगे मैं इसको अभी के लिए पॉज कर लेता हूँ, अभी देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं हम चारों कमांड को कैसा आ रहा है इसमें। ठीक है, ओके, इसमें आप जो है स्टेप ऑफ आर्ट थोड़ा कम कर सकते हो, बस टाइम का इशू करेंगे। तो एज इट इज रैंड हो, हम नेक्स्ट कमांड में इसको निकाल ही देंगे। आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे आपकी स्कैलप हो गई, अब अपने इसमें रास्टर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हो फिनिशिंग। देखो यहाँ पे जो मेरा थर्ड कमांड है, जो मेरा स्कैलप कमांड है, यहाँ पे टच हो रहा है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, बट फिनिशिंग इज ओके, बट यहाँ पे टच हो रहा है, आपको इसको एलिमिनेट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो आपके आ रहा है लीडिंग लीडर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम इसको दिखाएंगे। देखो तो थर्ड कमांड है मेरा, जो मेरा ये थर्ड कमांड है जिसमें मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको जाना होगा स्कैलप में पैरामीटर में, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। जैसे मेरा ये 5 है तो इसको मैं 1 कर दूंगा, और ये जो है मैं वर्टिकल एंट्री 3 mm कर देता हूँ, और जो एग्जिट है 3 कलर देता हूँ, और जो ये रहेंगे आपके एजिटिश रहेंगे। आप इसमें अभी शेक कर पाओगे, लाइक इस तरीके से आप शेक कर लो। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो लीडिंग लीडर चेंज करके जो यहाँ पे जो टच जो टच होते हैं स्किन में, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो इसमें टच हो रहा है कि नहीं, अभी आई गेस नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ कुछ पैरामीटर में हम देखेंगे कैसा इसको काम होना चाहिए, कैसा नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो अब तक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं, लास्ट हम लोग की फिनिशिंग कमांड चलाएंगे जो लास्ट रहेंगे सबसे। तो हम टूल पार्ट में जाएंगे, तो फिनिश में सॉरी इसमें जाएंगे हाई स्पीड में, एक लास्ट कमांड लगाऊंगा मैं इसमें स्पाइरल। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग कमांड होता है। तो मैंने सरफेस सिलेक्ट कर रखा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं एज ए टूल जो है मैं 6 का स्फेरिकल लगाऊंगा। कट पैरामीटर वगैरह लेट्स से एज इट इज जो स्टेप ओवर है इसको मैं थोड़ा कम करूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 6 का ले रखा हूँ मैं, ऑलरेडी मेरा बुल नोज है। तो यहाँ पे अब स्केल ऑफ हाइट वगैरह आप एलिमिनेट कर सकते हो, स्टॉक लिंक जो है 0 करना है क्योंकि हम जो है फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, तो टूल टू स्ट्रिक वगैरह आपसे नहीं करना है। लिंक इन पैरामीटर में वगैरह में आपको चाहिए तो चेंज कर सकते हो, पहले आप देख लो सब ओके आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें करने में आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, टाइम आपको ऐड हो जाएंगे डिजिटल टाइम, तो इसमें आपको देखना है कूलेंट वगैरह। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप देख लो इसमें आपकी कैसे फिनिशिंग मिल पा रही है, देन ओवरऑल हम देखेंगे इसमें क्या है। अभी कैलकुलेट हो रहा है तो इट विल टेक टाइम। So you can see, okay, you can see here, आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा स्टे ओवर कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक साथ चला के देखते हैं ओवरऑल क्या आते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें क्या सेंस करना है आपको। ओके, तो ये कैलकुलेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेंगे, कैलकुलेट हो गया है, तो देखते हैं इसमें क्या आपका आ रहा है। तो बेसिकली हम रफिंग भी कह रही है, रफिंग किया फिर कॉन्टूरिंग किया जो बाहर बाहर का स्टॉक काटने के लिए, फिर हम जो इसकी हाई स्पीड चलाया इसके ऊपर से थोड़ा फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो स्केलअप चलाया हमने इसके ऊपर, फिर हमने रास्टर चलाया जो जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल रह गए थे। आप रेसमिलिंग वगैरह भी चला सकते हो, लेकिन रेसमिलिंग इसमें मेरा सुइटेबल नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम लास्ट में स्पाइरल बनाया इसमें ऊपर। तो आपको ओवरऑल जो है इसमें देखना ये है, तो आपकी जो कैसे आ रही है जो आपकी पीस है फाइनल कैसे आ रहा है, और कितना टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग कितना आप टाइम बचाओगे आपके लिए सही है। ठीक है, तो मेरे मशीन के हिसाब से मैंने उसका टाइम वगैरह सेंस किया था, यहाँ पे मैं वो सब नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको मैं रन करके देखते हैं फिर
कैसा चल रहा है? तो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके पास अगर लाइक इस तरीके से आपकी इंसर्ट वगैरह के काम आए तो आप कर लोगे आई थिंक, ठीक है। तो ऐसी तरीके से हम करते हैं कि कोई भी काम हो तो आपको देखना पड़ता है ये कोर है कि केबीटी है, कैसे है, बॉस में है कि, ठीक है, तो आपको इसमें देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी देखना पड़ता है, कुछ कुछ चीजें आपको अच्छे से देखना पड़ेंगे, कैसा क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से हो रहा है ये काम, तो इसके ऊपर जैसे आप ये वाला कमांड गया नहीं था, इसको चलाना पड़ेगा दोबारा। आई थिंक ये रास्टर के पहले वाले होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो फिनिशिंग है आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया फिनिशिंग आया है ना, आप देख पा रहे हो। मैंने वर्क पीस को सलाह के भी दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे कुछ फिलर विलर नहीं है, थोड़ा आपको यहाँ पे कोई फिलर का जरूरत था, जहाँ पे फिलर नहीं है, शार्प कॉर्नर है, तो इस केस में आप देख पाओगे लाइक इस तरीके से आएंगे, है ना। तो इसको हम अभी दिखाते हैं कैसे इसको हटाना है, ये रह गई थी शायद, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। तो मुझे पहले देखना है ये आ किस में रहा है, आई थिंक ये कंटूर में नहीं है, तो कंटूर में आ रहा है, तो आपको देखना है किस में ये चीज आ रहा है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा स्पीड कर देते हैं इसको, नहीं इसमें ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक स्केलअप भी ओके होगा, स्केलअप में मैंने सेंस किया था इसमें, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है इसके डेस्कटॉप कार्ड में सेंस करना पड़ेगा, आपकी जो स्टेप ओवर आता है ना इसमें आपको वो सेंस करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे सेंस करते हैं, इसमें भी आपको डिस्कस करेंगे इसमें क्या सेंस करना है। इसमें ओके है, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है रास्टर में आ रही है आई थिंक, तो आपको रास्टर को चेक करना पड़ेंगे। स्टॉक इज ओके, स्टॉक इसको आप इसको थोड़ा हाइड कर दो, आप यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मेरा वो मशीनिंग हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो मेरा राफ्ट जो एरिया राफिंग किया हो ना, इसमें ऑलरेडी जो आपके रेट दिखा रहे हैं उसमें आपको डरने वाली कोई चीज है नहीं, ऑलरेडी वो कट हो जाएंगे वो, ओके। तो दोस्तों इसमें जो है अपडेट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अपडेट में ऑलरेडी आप देख रहे हो हर एक कमांड चेक कर रहा हूं मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आ रही रेड कलर की वाली जो यहाँ पे कट हो रहा है पीस में, तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम आ रही है जो हमने इसको अपडेट नहीं किया इसी वजह से आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी सारे कमांड देख लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं आ रही है, तो इस तरीके से आप सेंसी चलाओगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही कहीं पे भी, तो नहीं लग रहा कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेंगे ओवरऑल जो काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैं मास्टर केम को वीडियो बना चुका हूँ, आज जो मेरा था इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ काम करना था तो मैं आपको इस वीडियो दिखा दिया, आजकल वीडियो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रही वीडियो बनाने का, थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा है, तो अपडेट करते रहेंगे जैसे भी होगा। आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो CIM डिजाइन करके, वहाँ पे अपडेट वगैरह मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे मुझे आप DM भी कर सकते हो मेरे डायरेक्ट, मैं हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जिसको अगर CNC के ऊपर ट्रेनिंग भी नहीं लेना है वो भी बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी कराता हूँ मैं ऑफलाइन ऑनलाइन बोर्ड, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।